हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हंसराज कुमावत आज आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस सीएचओ एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं बिहार सीएचओ के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हमने अभी तक बिहार सीएचओ के लिए टोटल 5 पार्ट बनाए हैं। उन 5 पार्ट में हमने प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं। इस प्रकार हमने टोटल 250 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इस प्रकार आज का वीडियो एंड होने तक हम टोटल 300 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए और आज के जो 50 क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, काउंसलिंग फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ इज़ डन एट विच लेवल ऑफ सर्विस प्रोविजन। यानी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो काउंसलिंग है वो कौन से लेवल पे सर्विस प्रोविजन कौन से लेवल पे दी जा सकती है। तो फ्रेंड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी दी जा सकती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तीनों के अंदर दी जा सकती है। यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। और बीएमआई कैसे निकालते हैं फ्रेंड, बीएमआई जो निकालते हैं अपन कैसे निकालते हैं, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। कैसे निकालते फ्रेंड, वेट इन केजी बट ए हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो फ्रेंड नॉर्मल जो बीएमआई होती है वो कितना होता है, 18 से 25 जो बीएमआई होता है वो नॉर्मल होता है। यदि 18 से बिलो होगा तो उसको क्या कहेंगे, थिन पर्सन। और जो 25 से ऊपर होगा तो उसको क्या कहते हैं, ओबेसिटी के अंदर आता है, यानी ओबेस पर्सन के अंदर आता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ओवर वेट रेफर टू बी एम आई। यानी ओवर वेट किसको रेफर करता है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी 25 के जी मीटर पर स्क्वायर से यदि आप आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर वेट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ICTC स्टैंड्स फॉर, ICTC की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV और एड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन। यानी जो एडोलेसेंस एज है वो फेज है, वो कौन सी ट्रांजिशनल फेज है। तो फ्रेंड ये कौन से के बीच में आती है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आती है। क्या आती है फ्रेंड, एडोलेसेंस। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड, ऑप्शन 3, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, चूज द साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसको क्या देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट स्पॉटिंग उसके अंदर देखने को मिलता है जिस पेशेंट को, या फिर जो पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इस ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ना तो पेन एब्डोमेन होता है, ना ही इंक्रीज एपेटाइट होता है, और लूज में तीनों ही ऑप्शन में नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 था, इंटरमिटेंट स्पॉटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव का, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ हाइएस्ट फेल्योर रेट। यानी कौन सा मेथड है जो जिसके कॉन्ट्रासेप्शन का हाइएस्ट फेल्योर रेट होती है, तो कौन सा होता है फ्रेंड, कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर जो ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से जो है वो मोस्टली हाइएस्ट फेल्योर रेट किसके अंदर होती है, कोइटस इंटरप्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज छाया। जो फ्रेंड छाया के नाम से जो टेबलेट मिलती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। क्या होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हाउ कैन ई हेल्दी बर्थ स्पेसिंग बी एकम्प्लिस्ड। यानी जो बर्थ स्पेस किसके द्वारा किया जाता है, जो जन्म अंतराल लिखा जाता है दो बच्चों के बीच में, जो जन्म का अंतराल लिखा जाता है उसको किस किस रिदम मेथड के द्वारा भी देख सकते हैं, बेरे मेथड का यूज करके भी, हारमोन, तीनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द मिशन परिवार विकास। तो मिशन परिवार विकास का जो फ्रेंड ट्रू है उसके बारे में क्या है, कि रिलेट टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। क्या फ्रेंड, मिशन परिवार विकास। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो फ्रेंड सिप्लिस, गोनोरिया एंड HIV, ये तीनों क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ए सेक्सुअल, नॉट एंड कौन सी नहीं है, तो जो फाइब्रस यूटरस है इसका क्या है राइट आंसर, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आती है। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, फाइब्रॉइड यूटरस। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई, फ्रेंड चिकनगुनिया होता है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, तो वायरस की वजह से क्या होता है फ्रेंड, चिकनगुनिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कोलेरा इज ए, जो कोलेरा है वो क्या है फ्रेंड, वाटर बोर्न डिजीज है, क्या है, वाटर बोर्न डिजीज क्या है फ्रेंड, कोलेरा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द कंसिडर न्यू केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, न्यू केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या आता है, यानी या तो किसी पेशेंट को भी ट्रीटमेंट लिया ही नहीं हो टीबी, या फिर कभी उसके अंदर टीबी के ड्रग यूज ही नहीं हुआ हो, या फिर उसका लेस देन वन मंथ, यानी वन मंथ से कम का उसका ट्रीटमेंट चला हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी पेशेंट वो हैज नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट फॉर टीबी और हैज़ टेकन एनी एंटी टीबी ड्रग, ऑप्शन बी क्या है, टीबी पेशेंट वो हैज़ टेकन ट्रीटमेंट टीबी फॉर लेस देन वन मंथ, यानी एक महीने से भी कम का यदि ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन थर्ड, बोथ ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, तो फ्रेंड जो वाटर बोर्न डिजीज के अंदर कौन कौन है, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए और टाइफॉइड, ये तीनों क्या है फ्रेंड, वाटर बोर्न डिजीज है, यानी ये फिकोरल रूट से होती है, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए एंड टाइफॉइड तीनों, तो ये कौन सी डिजीज है फ्रेंड, वाटर बोर्न डिजीज है, लेकिन जो मम्स है वो वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मिजल्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय, जो मिजल्स है किसके द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है फ्रेंड, वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, आर्टिमिज में बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यानी फॉर जो आर्टिमिसिन जो बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो किसके लिए यूज की जाती है, मलेरिया के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, HIV इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, जो फ्रेंड जो HIV इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए, तो फ्रेंड हेपेटाइटिस ए क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, बिल्कुल सही है, ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेट फूड एंड वाटर, यानी ओरल फिकल रूट से भी होता है ये, और हेपेटाइटिस ए वायरस से भी होता है, ऑल ऑफ द वो इज क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, वॉट इज ट्रू अबाउट टाइफॉइड एंड टाइफॉइड के बारे में क्या सत्य है, इट इज़ कॉज बाई ये वायरस, तो फ्रेंड ये टाइफॉइड जो है वायरस की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी की वजह से, स्प्रेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो जो ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है टाइफॉइड, किसकी वजह से होता है, फिकोरल रूट से होता है, और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसका क्या है राइट आंसर, किडनी को अफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछा क्या व्हाट इज ट्रू अबाउट टाइफॉइड, तो टाइफॉइड है किसको अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन, ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन दी जाती है, HPV वैक्सीन जो है किसके लिए दी जाती है फ्रेंड, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन दी जाती है, HPV वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, सर्वाइकल कैंसर, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो अस्थमा होती है कैसे प्रिवेंटेड किया जा सकता है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन, यानी जो एलर्जन होते हैं क्योंकि एलर्जन की वजह से अस्थमा होता है, इसलिए आप एलर्जन के एक्सपोजर को प्रिवेंट कर देंगे तो अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि फ्रेंड इसके जो अदर ऑप्शन राइट इसलिए नहीं है क्योंकि अस्थमा के लिए कोई वैक्सीन नहीं आती है और रेगुलरली कोई मेडिसिन भी नहीं होती एलर्जी की, नन ऑफ द अबव, तो इसमें से कोई, तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रीजन ऑफ हाइपोग्लाइसिमिया, यानी इनमें से कौन सा रीजन है जो हाइपोग्लाइसिमिया का नहीं है, यानी जो स्किपिंग ऑफ मील, यानी स्किपिंग, यदि आप मील को स्किप कर देंगे तो आपको हाइपोग्लाइसिमिया हो सकता है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी लेस करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसिमिया नहीं होगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट ए रीजन, यानी कौन सा रीजन नहीं है जिसे जो लेस फिजिकल एक्टिविटी, यदि फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो आपका जो हाइपोग्लाइसिमिया आप में होगा ही नहीं, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी किया ही नहीं है, तो आपका ग्लूकोज जो है उसको लॉस कैसे होगा, और जो ऑप्शन थर्ड क्या, अगर टेकिंग मोर देन रिकमेंडेड डोज ऑफ इंसुलिन, यदि आप ज़्यादा डोज ले लेंगे तो भी आपको हाइपोग्लाइसिमिया हो सकता है, या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग का ये साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि आप एंटी डायबिटिक ड्रग पर रह रहे हैं तो अचानक से जो डायबिटी जो है
आपके शुगर लेवल को क्या कर देगी, डाउन कर देगी एंटी डायबिटिक ड्रग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में डैमेज, एंड कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है वो किसको डैमेज करती है फ्रेंड, जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है वो हार्ट को, ब्रेन को, किडनी एंड आइज, तो किसको डैमेज करती है फ्रेंड, एनी वन ऑफ दीज, यानी इनमें से ऑप्शन में क्या बताया फ्रेंड, एनी वन ऑफ दीज क्या है इसने राइट आंसर माना, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में डैमेज एनी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फुल फॉर्म ऑफ IDD, IDD की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, IDD की फुल फॉर्म क्या हुई फ्रेंड, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, किसकी फुल फॉर्म है, IDD की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इन एथेरोस्क्लेरोसिस द ब्लड वेसल्स बिकम, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे बन जाती है फ्रेंड, थिक एंड स्टेप, कैसे बन जाती है, थिक एंड स्टेप। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच इंग्रेडिएंट हैज हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड, यानी इनमें से कौन सा है जिसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड होता है, तो जो ब्लैक रॉक साल्ट है फ्रेंड उसके अंदर क्या होता है, हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द टाइप्स ऑफ स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, है सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन से स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल, तो पेप स्मेयर टेस्ट भी होता है फ्रेंड, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड भी होता है, टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हाई रिस्क HIV टाइप्स, ये भी इसके लिए होता है, तो जो ऑल ऑफ द अबव क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर आर एक्सेप्ट, इसके अंदर क्या पूछा फ्रेंड, एक्सेप्ट यानी इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो टोबैको एंड फैमिली हिस्ट्री क्या है इसका रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है, पोल्यूशन रेडिएशन भी रिस्क फैक्टर है, लेकिन जो एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट विद कैंसर पेशेंट ये इसका जो है नहीं है, और ऑप्शन में क्या पूछा, एक्सेप्ट यानी इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्या और राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4th, एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट विद कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी वजह से होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड, यानी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को विजन को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएट किया है, आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन 3rd क्या है इसका राइट आंसर, आयुष्मान भारत योजना किसके लिए इनिशिएट किया है, टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मिशन परिवार विकास इनिशिएटेड अंडर, अभी एक बार फिर क्वेश्चन आ गया फ्रेंड मिशन परिवार विकास, तो मिशन परिवार क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मतलब इस पेपर के अंदर आपने दो क्वेश्चन देखे हैं जिसमें से दोनों मिशन परिवार विकास से रिलेटेड थे, तो इसका राइट आंसर क्या है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव से होता है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, फैमिली प्लानिंग क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, मेरा अस्पताल मोबाइल बेस एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल इनिशिएटेड फॉर, यानी जो मेरा अस्पताल जो मोबाइल बेस एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और जो वेब पोर्टल है वो इनिशिएटेड फॉर एंड किसके लिए क्या है, फॉर पेशेंट फीडबैक, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, यानी पेशेंट फीडबैक के लिए क्या पोर्टल क्या क्या है, मेरा अस्पताल मोबाइल बेस एप्लीकेशन और वेब पोर्टल इनिशिएट किया गया किसके लिए, पेशेंट फीडबैक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ, 1951 में, क्या लॉन्च हुआ फ्रेंड, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो एग्जामिनेशन वाज लॉन्च्ड इन, यानी पल्स पोलियो जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब होता, 1995 यानी 1995 के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड न्यूनेटल, सॉरी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी इसके अंदर कौन सा है जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, तो ऑप्शन ए सॉरी दे रखा आपको पहले, देखिए इसको पढ़ते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड फॉर ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो फ्रेंड इसके अंदर जो है आपका जैसे कि ऑप्शन जैसे आपको दे रखा है ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ओनली ए एंड बी, तो फ्रेंड ए और बी दोनों ही नेशनल प्रोग्राम है
ऑप्शन बी में दे रखा है ओनली ए बी एंड सी। तो फ्रेंड जो ए और बी तो है लेकिन सी नहीं है, लेकिन इसके अंदर तीनों के अंदर दो जो है वो है, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ इसका। और ऑप्शन थर्ड क्या है, ए एंड सी। तो ए तो है प्रोग्राम में लेकिन सी नहीं है, इसलिए जो ए है उसकी वजह से ये भी क्या हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द दस्तक अभियान इज रिलेटेड टू, यानी जो दस्तक अभियान है किससे रिलेटेड है फ्रेंड, न्यूट्रिशन से। तो जो दस्तक अभियान किससे रिलेटेड है, दस्तक अभियान किससे रिलेटेड फ्रेंड, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, UIP प्रोग्राम वाज लॉन्च, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ फ्रेंड, 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 1985 में यूनिवर्सल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और 1995 के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, डॉट्स थेरेपी इज वाज स्टार्टेड अंडर, यानी डॉट्स थेरेपी किसके अंदर स्टार्ट की गई थी फ्रेंड। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्या फुल फॉर्म होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स किसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड, डॉट्स की। और ये किसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, RNTCP, यानी जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर डॉट थेरेपी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च, एंड जो नेशनल वायरल हेल्थ वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था फ्रेंड, 2018 के अंदर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 91, क्वेश्चन नंबर 91, हु इज़ द प्रेजेंट इसरो चीफ, प्रेजेंट इसरो के चीफ कौन है फ्रेंड, के सिवान कौन है, प्रेजेंट इसरो के चीफ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द डब्लू हार्वे डिस्कवर्ड, यानी डब्लू डॉट हार्वे डिस्कवर किस क्या किया था फ्रेंड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, डब्लू हार्वे ने इसको किसको किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच स्टेट हैज इट ओन सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा जो स्टेट है वो अपना सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन रखता है फ्रेंड, जो 2019 से पहले, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर अपना सेपरेट रखता था, लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो इसलिए उन्होंने क्या राइट आंसर माना है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन आर्मी स्टाफ का भी चीफ कौन है फ्रेंड, जनरल बिपिन रावत कौन है, चीफ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मेरी कॉम इज़ फेमस फॉर, इन जो मेरी कॉम है वो किसके लिए फेमस हुई थी फ्रेंड, मेरी कॉम की मूवी भी आई थी और आपने देखा होगा जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने रोल अदा किया है मेरी कॉम का, तो वो किसके से रिलेटेड है फ्रेंड, बॉक्सिंग से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है फ्रेंड, इस समय जो है कौन है फ्रेंड, शरद अरविंद बोबड़े, उससे पहले कौन थे फ्रेंड, रंजन गोगोई इससे पहले थे, और अभी एट प्रेजेंट में कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इस समय हैं, और उससे पहले कौन थे फ्रेंड, जस्टिस रंजन गोगोई थे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, श्री वेंकैया नायडू कौन है फ्रेंड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो रामनाथ कोविंद है वो क्या है फ्रेंड, जो रामनाथ कोविंद है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, यानी रेड क्रॉस जो किसके द्वारा फाउंड की थी, जे एच दुरंत के द्वारा रेड क्रॉस फाउंड की गई थी, और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, जो स्टेथोस्कोप है किसके द्वारा इन्वेंट किया था, लेनेक के द्वारा, किसके द्वारा, लेनेक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, विच गैस कॉज्ड द भोपाल गैस ट्रेजडी इंसिडेंट, कौन सी गैस जो है भोपाल गैस ट्रेजडी को कॉज किया था, कौन सी थी फ्रेंड, मेथिल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है क्या है राइट आंसर, मेथिल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो क्या थी फ्रेंड, भोपाल गैस ट्रेजडी के इंसिडेंट का क्या थी कारण थी। फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि और भी आपको BRCHO से रिलेटेड आपको यदि क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड आपको यदि किसी और टॉपिक के बारे में जानना है या फिर BRCHO से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पे। इसके साथ ही फ्रेंड आपने यदि बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू वैकेंसी या फिर न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।